आनंद को कमाया, आनंद को बचाया, आनंद को सुरक्षित रखा और उसे स्थिर रखना है। दौलत है मेरी, आया और चला गया तो कमाया और गया, खाया पिया और खत्म, ऐसे नहीं। तो अपने आनंद को संभालना, तो ये प्रयोग आपने खुद पर करने और इस पर काम करना, उत्साही बने रहना, प्रेमपूर्ण बने रहना, मुस्कराते हुए रहना, ये स्वभाव बनाए रखना। तो प्रयोग अपने ऊपर कीजिए, सज्जनता का प्रयोग कीजिए। मैं सुशील, शालीन, शांत, सज्जन, उदार व्यक्ति हूँ, अफर्मेशन का प्रयोग। और ये सब करते करते आप अपने आप से फिर दूसरा प्रयोग शुरू करें, जिसको हम बोलते हैं आत्मसंवाद, खुद के साथ बातचीत करना। और इसमें कौन कौन सी बातें आएंगी, तो थोड़ा सा और गहरा ना लगे तो थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। हालांकि इतनी सरल बात मैं बोल रहा हूं तो कोई कठिन तो है नहीं, रॉकेट साइंस तो नहीं बता रहा हूं, बहुत सामान्य चीजें आपको कही जा रही हैं और उनको आपने पकड़ना है। तो अगला प्रयोग आपने करना है आत्मसंवाद का, क्योंकि आप परमात्मा की राह में चलना चाहते हैं, या जीवन को कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं, या जीवन को बहुत महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं। तो महत्वपूर्ण बनाने के लिए आपको आत्मसंवाद करना है, तो उसमें कुछ बातें ध्यान देना, क्योंकि केवल एक शब्द पकड़ लेने से कुछ नहीं होगा। बात क्या है, आप खुद को क्या मानते हैं। बीच में रोक रहा हूं मैं, दोहरा ये मन में, आप खुद को क्या मानते हैं, आप क्या हो, इसे बार बार दोहरा। स्वयं को किस रूप में देखते हो, आराम आराम से बोल रहा हूं ना, दोहरा हो मन में, आप खुद को किस रूप में देखते हो। ठीक है, खुद की दृष्टि में आप क्या हो, आप अपनी नजर में क्या हो, दोहराइए मन में, बार बार दोहराइए। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। तो आप अपनी नजर में अपने को किस रूप में देखते हैं, अपने बारे में आप क्या सोचते हैं, खुद को आप क्या मानते हैं, इन शब्दों को मन में दोहराइए। और उसके बाद खुद से जो आप मानते हैं खुद को, या आपको खुद को क्या मानना चाहिए, उसी तरह की बातें खुद के अंदर अफर्मेशन के रूप में दोहराओ और खुद से वैसी बातचीत करो। नहीं तो आप क्या बात करते हैं, मैं बड़ा गरीब, मैं बड़ा दुखी, मैं बड़ा परेशान, मेरे साथ कुछ अच्छा ही नहीं घटता, भविष्य भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, और अब तो कोई उम्र में भी ऐसा लगता नहीं कि कुछ हो पाएगा, अब तक नहीं हुआ तो अब कहाँ हो जाएगा। पता नहीं हमारी जिंदगी ऐसी क्यों है। इस तरह का आप सोचते सोचते अपने आप को दिया कबीरा रोए। कबीर साहब के कुछ दोहे ऐसे हैं जिनमें बार बार आता, दिया कबीरा रोए, दिया कबीरा रोए, दिया कबीरा रोए, बस कबीरा रोया। हर बात में रोना, हर समय अपना माथा पीटना, हर समय अपनी किस्मत को कोसना, अगर ये आप शुरू करते हैं तो बस वही बन जाओगे जो आप सोच रहे हो, जो देख रहे हो, जो आप अपने मन में कल्पना कर रहे हो। तो आज से नई जिंदगी बनानी है आपने, और अपने आप को प्रभु का भक्त मान लेना है और अपने भीतर गुरु के संदेश सुनना है। तो इसके लिए अब एक महत्वपूर्ण बात और, हालांकि इन सब की व्याख्या चाहिए, क्योंकि ये कैसे किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, ये भी बताया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ध्यान में हम लोग ये सब ट्रेंड करते हैं, आत्मसंवाद कैसे करोगे, खुद को आप क्या मानो, अफर्मेशन का प्रयोग कैसे करें, क्या चीज का ध्यान करें जिससे आपका सोचा हुआ आपकी जिंदगी में उतरे और भगवान की कृपा आपकी जिंदगी में आए कैसे। तो इसके लिए एक बात ध्यान रखिए, सबसे पहले तो अपने आसन का आदर करो, अपनी माला का आदर करो, दिए गए नाम दान को महत्व दो। और ये बात ध्यान रख लीजिए, भक्ति योग में नाम जप का
मंत्र जाप का, ईश्वर के नाम का बहुत महत्व है। नाम सदृशम न ज्ञानम, न नाम सदृशम वृत्तम, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम। नाम का स्मरण करना, प्रभु के जाप को करते करते ध्यान में उतरना, इससे बढ़कर के कोई ध्यान नहीं है और इससे बढ़कर परिणाम देने वाली कोई चीज नहीं है और इससे बढ़कर के कोई ज्ञान उत्पन्न करने वाली चीज भी नहीं है और नाम सदृश जैसा कोई भी व्रत भी नहीं है। बड़ा व्रत यही है, न नाम सदृशो योगो, न नाम सदृशम शमः, शांति देने वाला नाम के सदृश कोई और चीज है ही नहीं, और भगवान से मिलन कराने वाली चीज भी नाम है। भगवान के नाम का सिमरन करना, स्मरण करना, जिह्वा पर उसका नाम बसाना, न नाम सदृशम पुण्यम, न नाम सदृशी गति, इससे बढ़कर पुण्य कोई नहीं है। नाम जपना, स्मरण करना, नाम जपते जपते जिंदगी जीते हुए पुण्यों की तरफ व्यक्ति बढ़ने लग जाता है, तो नाम जपना कितना महत्वपूर्ण है। और कहते हैं, न नाम सदृशम गति, गति देने वाला इस दुनिया में नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं। आखिर में नाम जपते जपते विदाई ले ले संसार से। तो अपने आसन का महत्व समझना, आसन को महत्व देना, माला को महत्व देना, अपने गुरु को सदगुरु को महत्व देना, और मैं दीक्षित हूं, मैं मंत्र दीक्षित हूं, मेरे सिर पर मेरे गुरु का हाथ है, पितरों का हाथ है, देवताओं का हाथ है, क्योंकि गुरु नाम मेरे पास है, प्रभु का नाम मेरे पास है, वो नाम जपता हूँ, मेरे पास आसन है, मेरे पास नियम है, मुझे व्यवस्थित किया गया है, मुझे विधि दी गई है, मैं भाग्यशाली हूँ इतने समय से नाम जपने वाला बना। तो ऐसा सोचते 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 फिर आपने प्रार्थना करनी है, क्या? हे मेरे प्यारे ईश्वर, मुझे अपने सत्य मार्ग में चलने की शक्ति दो। मेरे प्यारे प्रभु, मुझे लड़खड़ाने मत देना। तेरे धर्म के मार्ग में मैं अडिग रहूं, फिसलने मत देना। तेरे संसार से कर्तव्य निभाते निभाते तेरी और मेरी यात्रा चलती रहे, भटक न जाऊं, संभाले रखना। तेरे प्रतिनिधि सदगुरु के प्रति मेरी श्रद्धा अटूट और अखंड रहे, मुझे मेरी श्रद्धा की दौलत देना, सदगुरु के प्रति वफादारी देना। और ऐसा बोलते हुए भगवान को मानसिक रूप से दंडवत प्रणाम करना, बारंबार प्रणाम प्रभु। सौभाग्य जिंदगी में मिला भगवान, खो न जाए, आशीष बनाए रखना। और फिर संकल्प करना। संकल्प क्या होगा आपका? कि मेरी प्रतिभा का उपयोग तेरी राह में अच्छी तरह से हो, मेरी प्रतिभा निखरती जाए और तेरी राह में इसका, इस टैलेंट का उपयोग करते हुए मैं संसार को बहुत कुछ दे सकूं, और मेरा जो भी गुण है भगवान, वो गुण मेरा दिव्य गुण तभी बनेगा जब वो तेरे लिए तेरी राह में प्रयोग हो। मैं अपने गुण को भी तेरी राह में अर्पित करता हूं। और फिर कहना कि मेरी क्षमता किसी भी चीज में है, मेरा सामर्थ्य, मेरी क्षमता, वो मेरी नहीं तेरी राह में प्रयोग हो। और निश्चित ही ये क्षमता आपको अद्भुत बना देती है। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि भगवान के नाम से बढ़कर कुछ भी चीज नहीं है, और इसी को आपने महत्व देना है, और इसी के बारे में ध्यान में रख कर के, कहते ना, सब गट मेरा साइया, खाली गट ना कोई।
बलिहारी उस घट की जा घट प्रगट होए। तो इसलिए नाम को महत्व देना, क्योंकि वह परमात्मा तो सब में मौजूद है, लेकिन जिसके अंदर प्रकट हो जाए धन्य है वो जिंदगी। जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का इसके नाम से बन जाएंगे, इसके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मनवा, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे, नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे, नाम ही नर को नारायण की सही पहचान करा दे, नारायण की सही पहचान करा दे, मतलब एक राम कहे तू, मतलब एक राम कहे तू, या कह ले घनश्याम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। सूरज चांद सितारे पर्वत नदियां ताल समंदर, चांद सितारे पर्वत नदियां ताल समंदर, नाम के बल से ही चलते हैं ये धरती ये अंबर, नाम के बल से ही चलते हैं ये धरती ये अंबर, नाम ही लेकर दिन उगता है, नाम ही लेकर दिन उगता है, नाम से ढलती है शाम मनवा, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। उसके नाम से बन जाएंगे, इसके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मनवा, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। इसलिए आपसे निवेदन है, नाम स्मरण करने के लिए एक छोटी सी सिमरनी 27 मनकों की।
हाथ में रखिए। चलते फिरते उठते बैठते नाम स्मरण रहे। दूसरा, एक पूरी माला गोमुखी में रहनी चाहिए। तीसरा, अपने घर को आरोमाथेरेपी आजकल चलती है उसके बजाय अपने प्राचीन भारत की परंपरा को ध्यान में रखते हुए चंदन, लोबान, गूगल, गुड़ की शक्कर, चारों का मिक्सचर और शुद्ध मिल जाए ये, और गौ के गोबर का उपला, देसी घी, तो आप उपले को जलाइए गैस पर और ये जो दारिद्र्य नाशक यज्ञ सामग्री है इसको उस पर डालें और थोड़ा सा घी डालिए और फिर सारे घर में धुआं करिए और कमरों में घुमा के इसे बाहर रख दीजिए। तो यह है धुनी, परमात्मा के नाम की धुन और उसकी धुनी हाथ में छोटी से सिमरने और हर दिन कोई ना कोई सेवा का कार्य करना। ये अगर आपकी जिंदगी में चल रहा है तो समझ लेना कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो इसी से श्री कृष्ण कहते हैं, निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय, तब तुम मुझ में बस जाओगे, प्रभु में हो जाओगे। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन यानी निरंतर दौड़भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान, कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए। ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का, जिनका आयोजन 19 से 29 मई तक होगा और साथ ही 16 दिवसीय लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का, जिसका आयोजन 31 मई से 14 जून तक होगा। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्य प्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि, साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।